आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। आयतुल्लाह खमेनी अलैहिस्सलाम आज होते वो फतवा लगाते कि फारूक अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है। पूछा फारूक साहब मंदिर समझ कर कश्मीर मंदिर का स्थान है, हर धर्म का स्थान है, लेकिन ला इकरा फी दीन, वो अपने दीन पे कायम रहे, हम अपने दीन पे कायम रहेंगे। फारूक साहब असल मंदिर समझ कहते कि वहां भजन 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 चाहता हूँ। तुम कैसे शिया लीडर होने का दावा करते हो? अगर आयतुल्लाह खुमैनी अलैहि रहमा होते वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ फतवा देकर उसको इस्लाम से खारिज कर दे। पूछा मैं समय दो फारूक अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद आर एस एस से गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। डर से जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बात जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैंने हल्के इंसाफ गांधरबल क्यों बागरस बागयूर जवान हो बुजुर्ग हो माज हो बिनो सलाम अलैकुम। आज यारा कोस बड़े सोरावाली कान से आज छुट्टी वार कर गांधरबल से वन खत सुबारिया के, मगर काश मेरे पास वक्त होता। इतनी दास्तानें हैं कि सुन के जमीन फट जाएगी, आसमान रो पड़ेगा। जो इस कौम का ऐसा जो इस कौम का दर्द और दुख है, दाई भाई ये लजनात इलेक्शन का साक्ष असेंबली खतर तक ऐसी चीज याद था उन कि यह तिम हालत मज ग जब हमसे दफा 370 और 35 ए छीन लिया गया। पांच अगस्त 2019 तीन ब्रोड से दो सारी पॉलिटिकल लीडर उमर साहब फारूक साहब महबूबा जी तमाम लगभग कश्मीर सारी एमएलए मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर तुम थे कर गिरफ्तार, पता है तुम एस के आई सी सी मंत्रालय का पोज बैठ में यार अख नफर तोरख अख नफर सब इंजीनियर रशीद बकूर आसरस में पाई पाई एयरपोर्ट बात रहा और मुझे सीधा तिहार जेल पहुंचाया गया। मुझे मोदी से कोई शिकवा नहीं, मगर सच्चाई ये है अगर तो याद आशो याददाश्त की भी थोड़ा मेरी लड़ाई बिल्कुल एमसी और पीडीपी के साथ नहीं है। सभी लड़े श्वारिया बट इस मगर हिंदुस्तान की सरकार से हिंदुस्तान की स्टेट से एक जरा इस जलील तखार कशर के पुरुष सत्ता ही पटे जुटा। अगर तो याद आशो लगभग 15 जुलाई पे वो कश्मीर में 15 जुलाई पार्लियामेंट इलेक्शन आओ पार्लियामेंट लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ आज फैसला हो चुका है पार्लियामेंट में। आपने जो किया इस फैसले नॉर्थ कश्मीर के लोगों को इस पर्टन दिमाओ जेल में दिया इंजीनियर रशीद सौ दो लक्ष्यों सहित उमर साहब हारो सचा नून साढ़ो त्रे लक्ष्यों सहित हारो जो हवा
नार से चली, वो आज आपके गांधरबल में भी पहुंचे। यही मुझ में फेरा उम्र सबन कुल ना फसल ये तम वो गांधरबल मस्त बहु जेल वो टी वी ये तम वो जनाब अली कर लार गई हुई तिख तुल तथि वो गांधरबल पत् क्या वनो दबरों मोन इज्जत चो तह न खराब न उर्दू करते हैं ना कश्मीरी करते हैं यार तू कैसा कश्मीरी था दबरों ना मोन इज्जत तो तू ही बोझ दो फोन दबरों मेरी टोपी का ख्याल रखें मुझे उनका एहतराम है मुझे उनका रेस्पेक्ट है इतना ही कहना चाहूँगा उमर साहब से। उमर साहब आप एम पी तो बन नहीं पाए छोड़िए उसके बाद आप बीरू के एम एल ए थे वहाँ मैंने 8,000 वोट की लीड ले ली पाँच मिनट में जब बादशे इतिहार वो तो गांधरबल मुंतर पतम हवाल यह सब मोल सब मुलासत सही वन महाराजा रख खत्म तेल ब्रिट ऑफ सीट सोचना पोज एक ही बात में मुझे आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने बीरू के लोगों का काम किया होता कश्मीर के लोगों का काम किया होता कल मैं बीरू में था आप सब ने देखा हजारों लोग वहाँ पर थे आपने देखा होगा मतलब वो सीट में आज ही कहता हूँ आपसे कश्मीर में सबसे ज्यादा मार्जिन से लड़ाई सब चल रही है दो सीटों पर जिनका फैसला होगा सोपोर और बीरू मतलब अच्छा अखर चला ए आई पी कचा वोटों से जेर वही पे पुत सा मार्जिन कहीं मे वो मशूति वो बीरू नहीं ज्यादा कि सोपोर नहीं ज्यादा तुम्हें बस इनशा लिहाजा उमर सब बीर वो सड़कों हाल ही मे वो बीर वो गली हाल ही मे वो बस रावण से क्या पांचन मेरे कोर्मुत अगर आपने काम किया होता आज आप बीरू से भागकर गांधरबल नहीं आते और गांधरबल में आज आपको अपनी टोपी लोगों के नीचे नहीं डालनी पड़ती फिर आपको लगा गांधरबल में भी इंजीनियरशिप पीछे आएगा प्रोबत गए तिमत आए हुए आप बड़गाम भी पूछे लिहाजा मेरी इतनी गुजारिश है अगर आपने लोगों का एक और बात कहता हूँ दो दिन पहले बीरू में डीजी साहब से कौन सोचे